गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं संदीप शर्मा आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था आपके साथ स्टूडेंट्स, मैं रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एक तरीके से अर्थशास्त्र की बारीकियों को आपके साथ डिस्कस कर रहा था। और जो हम लोगों ने स्पेशली बनाई हुई है एक तरीके से आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से जो आपके वीडियोस जा रहे हैं, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखते रहिए। आज उसी एक तरह से सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेरोज़गारी। अब स्टूडेंट्स, बेरोज़गारी होती क्या है? बेरोज़गारी का सीधा तात्पर्य ये है, आप काम करने के इच्छुक हैं लेकिन आपको काम नहीं मिल पा रहा, यही बेरोज़गारी है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। सबसे पहले अगर हम बात करें बेरोज़गारी है क्या, बेरोज़गार उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, आप वेल क्वालिफाइड हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास काम करने को अपने हिसाब से नहीं मिल रहा, तब आप एक बेरोज़गार हैं। अब इसके बेरोज़गारी के प्रकार होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, किसमें, रेलवे के एग्ज़ाम्स में, ग्रुप डी में, और आपको समझ के एक तरीके से टिक मारना होता है। चलिए बेरोज़गारी के प्रकार में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बेरोज़गारी है वो है मौसमी बेरोज़गारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका तात्पर्य यह है, ये हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर कहा जाए कि एक मौसमी बेरोज़गारी, इस प्रकार की बेरोज़गारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई बुआई कटाई आदि कार्यों के समय रोज़गार तो मिलता है लेकिन भैया जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि हम भारत देश की बात करें तो हमारे यहाँ एक सीज़न विशेष में, जैसे खरीफ हो गया, रवि हो गया, जायद हो गया, ये अलग अलग हमने पार्ट्स में एक तरीके से सीजन्स को बांट के रखा है। तो समस्या ये आती है कि अगर एक गेहूं की खेती हो रही है तो गेहूं की खेती के बाद कुछ समय तक, एक या दो महीने तक, एक तरीके से जो किसान है वो बेरोज़गार हो जाता है। उसी को हमने किस नाम की संज्ञा दे दी, मौसमी बेरोज़गारी, ये पूछा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो दूसरी बेरोज़गारी होती है प्रछन्न बेरोज़गारी। प्रछन्न बेरोज़गारी ऐसे एक और नाम से जाना जाता है, कई बार पूछा गया है छुपी हुई बेरोज़गारी किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, छुपी हुई या प्रछन्न बेरोज़गारी क्या होती है। अगर हम सीधी बात बताएं आपको तो कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए किसी काम में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि एक जूता फैक्ट्री है, उसमें 100 जूतों का उत्पादन हो रहा है और 10 लोग लगे हुए हैं जो 100 जूतों का उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम मान लीजिए 2 कारीगरों को हटा देते हैं तो क्या हमारी कुल उत्पादकता में कोई एक तरीके से प्रश्न चिन्ह आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जो कुल उत्पादकता होगी 100, वो उतनी ही रहेगी। तो कहने का तात्पर्य ये, अगर किसी एक दो एक तरीके से लोगों को हटा लिया जाता है तो पूर्ण उत्पादकता शून्य नहीं होती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसे छुपी बेरोज़गारी भी कही जाती है, जिससे लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात अगर इन लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो उत्पादकता में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अभी फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, कहने का मतलब है जो मैंने 2 कारीगरों को हटाया उनकी उत्पादकता शून्य कर दी लेकिन जो कुल उत्पादकता है वो 100 की 100 रहेगी, यानी 2 लोगों को हटाने से संपूर्ण उत्पादकता में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक का सीधा तात्पर्य क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम अगर सबसे अच्छा बहुत आप एग्जांपल से समझिए स्टूडेंट्स, कि अगर जैसे मान लीजिए स्कूटर, आज के समय में वर्तमान परिवेश में अगर आप देखें तो स्कूटर आपको जल्दी नहीं देखेगा। कहने का ये तात्पर्य है कि आज स्कूटर के अगर देखा जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो स्कूटर बना रही है वो बंद हो चुकी है, तो जो उसके कारीगर हैं वो बेकार हो गए हैं और लोग कहाँ अधिकतर पहुंच गए हैं, लोग कार में पहुंच गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्कूटर जो बना रहे थे मिस्त्री वो बेरोज़गार हो गए हैं और पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ मिस्त्री हैं, जो एक समुदाय है जो मिस्त्री का, वो पूरा का पूरा बेरोज़गार हो गया है और वो शिफ्ट हो गया है किसमें, अगर जो सबसे अच्छे हैं वो कार बनाने वाले में शिफ्ट हो गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, ये भी कई बार पूछी गई है। चक्रीय बेरोजगारी का सीधा तात्पर्य होता है जो वर्तमान बाजार में परिस्थिति होती है जिसमें एक तरीके से कहा जाए अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति होती है और मंदी आती है, उसके बीच में जो बेरोजगारी बढ़ती है वही आपकी चक्रीय बेरोजगारी है।
इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर का सीधा मतलब है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति आती है जिससे लोगों के पास पैसा आता है, रोजगार के नए अवसर आते हैं नए अर्थव्यवस्था में, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादकता कम होती है, और जब उत्पादकता कम होती है तो लोगों के रोजगार खींच लिए जाते हैं या उनको बेरोजगार होना पड़ता है। यही कहलाता है क्या, चक्रीय बेरोजगारी। कहने का तात्पर्य यह है एक चक्र चलता है प्लस और माइनस, यानी कि एक समय रोजगार की अधिकता होती है और फिर कमी होती है। चलिए अब बात करें घर्षण जनित बेरोजगारी, यह भी बहुत बार पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके कोर्स के हिसाब से। घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होती है, ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में चला जाता है तो दोनों रोजगारों के मध्य की अवधि में वह बेरोजगार होता है। ये अधिकतर अगर कोई एक तरीके से टेक्निकल औद्योगिक एक तरीके से मशीनरी आ जाती है किसी एक तरीके से प्रोसेसिंग में तो उसके कारण होता क्या है, उसके कारण स्टूडेंट्स जो कुछ लोग क्या होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई किसी एक तरीके से संस्था में तो जिसके कारण कुछ लोग क्या होते हैं कि उस टेक्नोलॉजी के अनुरूप ढल नहीं पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। वही कहलाता है कौन सा, घर्षण जनित बेरोजगारी। अब आगे बढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक का मतलब है भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको काम मिल रहा है लेकिन आपको काम आपके मांगे गए रुपए के अनुसार नहीं मिल रहा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया हम 1,000 रुपए लेबर चार्ज लेंगे लेकिन आपकी आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको 1,000 नहीं मिल पा रहा है मार्केट में, आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, आपको 700 या 600 रुपए मिल पा रहा है जिसपे आप काम कर, लेकिन आप काम करने को तैयार नहीं है, उसी को कहते हैं कौन सी, ऐच्छिक बेरोजगारी या इच्छा से बेरोजगारी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। ये वह बेरोजगारी होती है स्टूडेंट्स जो अगर देखा जाए एक तरीके से कि आप काम करने पे जो बाजार में दर चल रही है यानी 700 रुपए दर चल रही है तब भी आप काम करने के लिए तैयार है लेकिन आपको काम नहीं मिल पा रहा, वो कहलाती अनैच्छिक बेरोजगारी। फिर बोल रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है वो कहलाती है खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं शिक्षित बेरोजगारी, ये तो समझने वाली बात है। शिक्षित बेरोजगारी का सीधा तात्पर्य है कि आपको आज का ये परिवेश हो गया है, वर्तमान की स्थिति है कि एक चपरासी के पद के लिए आवेदन अगर निकलता है तो उसमें बीटेक एमटेक एमबीए इवन के पीएचडी स्टूडेंट्स तक भी अपना फॉर्म भरते हैं, वही है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा के अनुसार काम न मिल पाना, जैसे चपरासी के पद के लिए बीटेक एमबीए बहुत एडवांस क्वालिफाइड लड़के एक तरीके से आवेदन कर रहे हैं वो कहलाता है शिक्षित। तकनीकी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी का सीधा तात्पर्य यह होता है स्टूडेंट्स कि किसी प्रौद्योगिकी या तकनीक आ जाने के कारण जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के कारण निर्मित हुई बेरोजगारी भारत में की बेरोजगारी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस देखी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस में होता यह है कि एक टीचर कम से कम ना हो 1,000-2,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जबकि एक तरीके से अगर नॉर्मल क्लास चलती तो 1:30 का रेशियो सबसे अच्छा माना जाता है, एक स्टूडेंट और एक टीचर और 30 स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे 1,000 लोग पढ़ ले रहे हैं जिसकी वजह से कई टीचर्स क्या हो जा रहे हैं बेरोजगार, वो किस में आएगा, तकनीकी बेरोजगारी में आएगा। चलिए भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, NSSO निकालता है, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जारी करता है। फिर बोल रहा हूं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े NSSO जारी करता है जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। अब स्टूडेंट्स आपने इतना अभी देखा, आज हमने बेरोजगारी के बारे में चर्चा की जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे और ग्रुप डी के लिए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। आगे आने वाले एक तरीके से लेक्चर्स में और आप ध्यान दीजिए क्योंकि चंद्रा इंस्टीट्यूट नित नए रूप में आपके सामने आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए नए नए वीडियोज लेके आ रहा है और हम प्रैक्टिस सेट के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।